सब फेरियस होंगे। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाई कस्टमर विल बाय फ्रॉम योर स्टोर। आपके स्टोर में ऐसा क्या है कि वो आपसे परचेज करे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपका स्टोर जो है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि वो आपको विजिट करे, आपके स्टोर को परचेज करे। ठीक है, तो इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें बेसिकली 7 पॉइंट्स आ जाते हैं जिसको हम आज डिस्कस करेंगे कि कौन से 7 पॉइंट्स हैं जिसको हमें मद्देनजर रखना है और कस्टमर को मजबूर करना है कि वो हमारे स्टोर से परचेज कर कर ये जाए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है प्राइस शुड बी बिटवीन 15-30%। ये एक ऐसी ही बात है कि हम अगर पाकिस्तानी का पाकिस्तानी हम ये चीज़ चेक कर लें अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि हम अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो जो चीज़ हमें पसंद आ जाएगी अगर वो होगी महंगी मीन्स 1000 से अबव होगी तो हम सोचेंगे कि यार ये पत्नी क्या चीज़ आएगी, कैसे आएगी, क्या पता ख़राब आ जाए, तो हम उसको छोड़ देंगे, उस प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। अगर वही चीज़ अगर 500 के अंदर या 1000 के अंदर प्राइस होगी, उसकी रेंज कर रही होगी, तो हम फिर भी रिस्क ले लेंगे। चलो यार 1000 रुपये का रिस्क है, हम लेकर चेक कर लेंगे आपको अच्छा है। ये लोगों की साइकी है, ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान की भी साइकी है, ये US और बाकी कंट्रीज की भी सेम साइकी है। ये प्रोडक्ट जितना कम प्राइस होगा लोग परचेज करने के चांसेस उसके उतने बढ़ते जाएंगे। तो आपकी जो प्राइस है वो 15-30 के दरमियान का होनी चाहिए। इससे होता यह है कि जो कस्टमर होता है वो रिस्क ले लेता है कि क्या पता अच्छा प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट शुड नॉट बी इजीली अवेलेबल। जो प्रोडक्ट है मीन्स माउस की मिसाल यहाँ लेकर चल रहे हैं, आपके लैपटॉप माउस में ऐसा क्या है कि जो एक आम मार्केट में नहीं मिल रहा कि वो आपसे परचेज करें। तो आपका प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आम मार्केट में इजीली नहीं मिलता हो। ठीक है, मतलब कि आपके पास वो प्रोडक्ट है और कहीं भी नहीं इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं फिजिकल स्टोर को परचेज करने के लिए। कि सामने जो चीज़ है वो अलग होती है, उसकी बात अलग होती है, जो ऑनलाइन चीज़ है उसकी बात अलग होती है। तो इसमें 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है आपका वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो आपकी। ठीक है, सेकेंड वन ये आ जाती है कि वो मार्केट में आसानी से मिले नहीं, और थर्ड वन इज दैट हमने जो भी पढ़ी है कि वो 15-30 के दरमियान में होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट शुड नॉट बी कॉमन FMCG क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर। ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि बटर, दूध, दही, ठीक है, ग्रोसरी में जो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा पिछले पॉइंट में देखा कि वो प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है, आम मार्केट में नहीं मिलता हो, तो ये सेम चीज़ आ जाती है इसके अंदर हमारी FMCG नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, ये आपके प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट बना देगा। कोई भी प्रोडक्ट है आपका वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसा ही प्रोडक्ट होना है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो वो हमारे विनिंग प्रोडक्ट है। एक इमेज एंड वीडियो शुड बी अपलोडेड ऑन द प्रोडक्ट पेज। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास, तो उसकी एक डिटेल वीडियो होना ज़रूरी है कि वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है हमारी, ठीक है, उसका राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, अप एंगल, डाउन एंगल, सारे एंगल से उसकी इमेजेस अपलोड करनी है हमें, कि कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए वीडियो देख कर, पिक्चर्स देख कर, तो बाय करने पर मजबूर हो जाए। उसकी वीडियोग्राफी ऐसे करनी है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए आपका प्रोडक्ट बाय कर। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है शुड बी सोशली प्रूवन प्रोडक्ट और लाइक कमेंट्स ऑन एड्स। इसका मतलब ये है कि जब हम उसकी मार्केटिंग करेंगे पहले हमने चेक करना है कि इससे पहले ये इसकी इस प्रोडक्ट के कितने एड्स चल रहे हैं और उनके कमेंट्स क्या हैं, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, वो कितना परचेज हो रहा है, कितनी जो हमारा कंपटीटर है वो है उसकी प्रोडक्ट के एड्स के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा होगा मीन उससे इतना सेल कर रहा है, उतने ज़्यादा ही प्रॉफिट उठा रहा है। तो ये शुड बी आर सोशली प्रूवन। स्टोर शुड बी इंटरेक्शन विद कस्टमर, ये हमारा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपका लेआउट है स्टोर का, जो आपकी थीम है, शुड बी इंटरेक्टिव मीन्स कस्टमर के जवाब को सवाल को जवाब दे रही हो, मीन्स
कस्टमर के सवाल को आंसर कर रही हो, वो चीज मींस जैसे कि अगर वो मेरे मैं कोई प्रोडक्ट देख रहा हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो मेरे दिमाग में आता है इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका वेट कितना है,